तो गाइस आ चुका है अपना iPad OS 17.2 यानी कि iOS 17.2 और आज हम इसी अपडेट का करने वाले हैं BGMI टेस्ट हमारे iPad 9th जनरेशन पे। एंड आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अपने iPad 9th जेन में या फिर किसी भी iPad में, चाहे आपके पास में कोई सा भी iPad हो, और क्या इस अपडेट के बाद में लैग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, बैटरी कैसी चल रही है और यहाँ पे गेमिंग में क्या दिक्कत हमको आ रही है, सब कुछ आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं 2 दिन से iOS 17.2 को यूज कर रहा हूँ अपने iPad में भी और अपने आईफोन में भी। एंड अभी आपको मैं बता भी देता हूँ कि मैं कैसे करूंगा ये BGMI टेस्ट। तो मैं 1 hour तक खेलूंगा BGMI और आधे आधे घंटे बाद आपको बताऊंगा कि कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना है। एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100% हमारे iPad 9 की बैटरी हो रही है और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10:55 हो रहे हैं। तो अभी करते हैं अपना BGMI टेस्ट स्टार्ट। एंड अभी आपको मैं आधे घंटे बाद बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है। तो अभी आपको कहीं पे भी लैग दिखेगा तो नीचे कमेंट करना और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए मेरे को आधा घंटा हो चुका है और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 94% पे हमारे iPad 9 की बैटरी आ चुकी है और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:26 हो रहे हैं, यानी कि मेरे को यहाँ पे खेलते हुए आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। और इन 30 मिनट्स में जो कि हमारी बैटरी गई है iOS 17.2 पे हमारे iPad 9 जेन में, वो गई है यहाँ पे सिर्फ 6%। तो देखा जाए तो बैटरी यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही चल रही है, जैसे कि हमारी पहले बैटरी ड्रेन होती थी बिल्कुल वैसे ही ड्रेन हो रही है। और आधे घंटे में BGMI में हमारी इतनी ही बैटरी ड्रेन होती है 5%, 6%, 7%। एंड नॉर्मल भी यहाँ पे आईपैड चलाने में, मतलब अगर मैं यूट्यूब वगैरह काफी चलाऊ ना, तो बैटरी बैकअप यहाँ पे काफी सही मिल रहा है पहले से, मतलब कि iOS 17.1 से iOS 17.1.2 से। और अगर अभी मैं बात करूँ पहले आधे घंटे की परफॉर्मेंस की, तो पहले आधे घंटे में मेरे को यहाँ पे लैग वगैरह तो कुछ भी देखने नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मैं जब भी प्लेन से जंप कर रहा था ना, तो यहाँ पे जरूर से लैग हो रहा था। और वो तो सबका ही होता है, आपका भी लैग होता होगा और इवन 14 Pro Max 13 Pro Max इसमें भी होता है। तो पहले आधे घंटे में मेरे को कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिली, एक बार भी मेरे को फ्रेम ड्रॉप देखने नहीं मिला। और रही बात यहाँ पे हीटिंग की, तो हीटिंग भी मेरे को बिल्कुल भी देखने नहीं मिली पहले आधे घंटे में। तो अब आगे गेम प्ले करते हैं एंड आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। That the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए फाइनली हमको 1 hour हो चुका है और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 82% पे हमारे iPad 9 की बैटरी आ चुकी है और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:57 हो रही है, यानी कि मेरे को यहाँ पे खेलते हुए 1 hour और 2 मिनट्स हो चुके हैं। और इस 1 hour में जो कि हमारी बैटरी गई है iOS 17.2 पे हमारे iPad 9 जनरेशन में, वो गई है यहाँ पे 18%। तो देखा जाए तो बैटरी यहाँ पे हमारी पहले जैसे ही चल रही है, जितने की हमारी पहले ड्रेन होती थी पहले वर्जन पे। और वैसे तो iOS 17.1.2 पे
और iOS 17.2 पे यानी कि इसी वर्जन पे मेरे को बैटरी बैकअप काफी सही मिल रहा है आईफोन में भी और आईपैड में भी। अगर मैं नॉर्मल चलाऊं या फिर BGMI खेलूं तो बैटरी बैकअप हमको यहाँ पे काफी सही मिल रहा है, पहले से इम्प्रूव्ड मिल रहा है। और मैं यूट्यूब चलाता था ना, मतलब कि जब iOS 17.1.1 आया था तब यहाँ पे यूट्यूब चलाने पे काफी बैटरी ड्रेन होती थी, लेकिन जब iOS 17.1.2 आया और अभी iOS 17.2 आया तो हमारी बैटरी उतनी ड्रेन नहीं हो रही है यूट्यूब चलाने पे। तो बैटरी लाइफ के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया अपडेट है iOS 17.2। और अगर अभी मैं बात करूँ यहाँ पे लैग की, फ्रेम ड्रॉप की और कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है उसकी, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही सही मिल रही है iOS 17.2 के बाद। और रही बात यहाँ पे BGMI के लैग की, तो लैग वगैरह मेरे को अभी तक देखने नहीं मिला। एक बार बस मेरे को लैग देखने मिला था जब मैं लैंड किया और बस मेरे को एक ही मैच में लैग देखने मिला, जबकि मैंने यहाँ पे लगभग 11 या 12 मैच खेले होंगे BGMI के क्लासिक के। और वो जो एक मैच में मेरे को लैग देखने मिला वो मेरे को देखने मिला था 1 hour or 20 or 25 minutes के बाद में। और हर साल ना ऐसे ही होता है जब बड़ा अपडेट आता है, जैसे कि अभी iOS 17 का मेन अपडेट आया था 5GB का, तब यहाँ पे जरूर से सारे डिवाइस लैग करने लगते हैं, हीट करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे iOS 17.2 आता है ना और iOS 16.2 आया था, वैसे ही ना यहाँ पे सब कुछ स्टेबल हो जाता है और फिर सब कुछ सही चलता है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि iOS के वजह से अभी यहाँ पे कोई भी लैग देखने मिलेगा हमको आईफोन में, आईपैड में। अगर लैग होता है ना तो वो BGMI की गलती होगी, क्योंकि आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि BGMI यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं है उतना। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको iOS 17.2 करना हो तो जरूर से आप अपडेट कर सकते हो, मैं फुल रिकमेंड करूंगा। एंड अगर आप iOS 16 पे हो ना, बहुत लोग पूछ रहे थे कि iOS 16 से iOS 17.2 पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनको भी यही बोलूंगा कि iOS 17 पे आपको 50% चांस है कि लैग आपको देखने मिलेगा ही, क्योंकि iOS 17 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है और BGMI की भी यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन की। तो 50-50 चांसेस है कि आपको लैग देखने मिल सकता है अगर आप iOS 16 से आते हो iOS 17.2 पे। और अगर आप पहले से ही iOS 17 पे हो तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप जरूर से iOS 17.2 को अपडेट करो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से तो काफी बढ़िया अपडेट है iOS 17.2। एंड बाकी यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।